दोस्तों बॉलीवुड में जिस तरह जोड़ियां बनती हैं उससे भी आसानी से टूट जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ ऐसे स्टार के बारे में बताएंगे जिन्होंने एक दो बार नहीं बल्कि तीन तीन बार शादियां की हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं संजय दत्त की। संजय दत्त की पहली शादी 1987 में ऋचा शर्मा से हुई थी। इनकी मौत 1996 में ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो गई थी। इनकी एक बेटी भी है जिनका नाम त्रिशला है। और इनकी दूसरी शादी 14 फरवरी 1998 में ऋचा पिल्लई से हुई थी। और वहीं तीसरी शादी की बात करें तो 7 फरवरी 2008 में मान्यता दत्त से हुई। अब बात करते हैं बिपाशा बसु के पहले पति करण सिंह ग्रोवर के बारे में। करण सिंह ग्रोवर जहां टीवी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, वहीं बिपाशा बसु बॉलीवुड इंडस्ट्री की डस्की ब्यूटी के नाम से जानी जाती हैं। बिपाशा से करण की यह तीसरी शादी है। करण की पहली शादी टीवी एक्टर श्रद्धा निगम से 2008 में हुई थी। वहीं उनकी दूसरी शादी 2012 में जेनिफर बेनगेट से हुई थी। अब बात करते हैं नीलिमा अजीम की। छोटे पर्दे का जाना माना नाम रही नीलिमा अजीम ने 3 शादियां की हैं। नीलिमा ने पहली शादी अभिनेता पंकज कपूर से की थी और पंकज कपूर से ही इनके बेटे शाहिद कपूर हैं। जब शाहिद 3 साल के थे तब दोनों अलग हो गए। पंकज से अलग होने के बाद नीलिमा ने राजेश खट्टर से दूसरी शादी की जिनसे उनके एक बेटा इंसान खट्टर हैं। और 2001 में भी राजेश खट्टर से तलाक हो गया और नीलिमा ने आखिर में अपने बचपन के दोस्त उस्ताद राजा अली खान से तीसरी शादी की। वहीं अगर बात करें सिद्धार्थ राय कपूर की तो सिद्धार्थ राय कपूर ने भी एक्ट्रेस विद्या बालन से तीसरी शादी की थी। विद्या से पहले सिद्धार्थ अपने बचपन के दोस्त आरती बजाज के साथ पहली शादी की थी। तो वहीं एक टीवी प्रोड्यूसर कविता से दूसरी शादी की। उन दोनों से तलाक हो जाने के बाद सिद्धार्थ कपूर ने विद्या बालन से शादी की थी। बात करते हैं कबीर वेदी की। कबीर वेदी एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने 70 साल की उम्र में अपनी चौथी शादी करके सबको हैरान कर दिया है। उनकी पहली शादी प्रतिमा वेदी से 1973 में हुई थी जिससे उनकी बेटी पूजा वेदी और बेटा सिद्धार्थ है। कबीर वेदी ने दूसरी शादी ब्रिटिश फैशन डिजाइनर जैन हम्फ्रेस से की और उन्होंने तीसरी शादी टीवी प्रेजेंटर विक्की से की थी। और 2005 में इस रिश्ते का भी तलाक हो गया। और इसके बाद कबीर ब्रिटिश मूल की अभिनेत्री प्रवीण दोसांझ के साथ रिलेशनशिप में थे। काफी टाइम रिलेशनशिप में रहने के बाद कबीर वेदी ने इनसे अपनी चौथी शादी की। वहीं आपको बता दें कि कबीर की चौथी पत्नी की उम्र 40 साल है जहां कबीर वेदी की बेटी पूजा 38 साल की हो चुकी हैं। दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री के इन एक्टर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा जिन्होंने एक दो नहीं बल्कि 3 से भी ज्यादा शादियां की हैं? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए।